देखिए, इस वीडियो में मैं आप लोग को ऐसा चीज़ बताऊंगा जो एक बार समझेंगे हमेशा याद रहेगा, जो देखने में बहुत आसान है लेकिन ये हमेशा फंसता रहता है। देखिए, इसका चित्र, इसका टॉपिक का नाम है इकाई का अंक ज्ञात करना। इकाई का अंक, इकाई का अंक ज्ञात करना, इकाई का अंक ज्ञात करना, चैप्टर का नाम है इकाई का अंक ज्ञात करना। इस टॉपिक के बारे में समझेंगे। देखिए, ऐसे सवाल देता है बहुत। इन सब में हमको जानकारी रखना चाहिए कि इकाई का अंक पूछे तो कैसे हम ज्ञात करेंगे। देखिए, 325 गुणते 122 गुणते 1001 गुणते 101 में इकाई का अंक, में इकाई का अंक, इकाई का अंक, इकाई का अंक पूछे तो इकाई का अंक बताइए। इतने में क्या कर रहा है, इतने में इकाई का अंक पूछ रहा है। 325 गुणते 122 गुणते 1001 गुणते 101 में इकाई का अंक बताइए। इसमें इकाई का अंक क्या है, इसको ज्ञात करना है। जो जानते होंगे एक ही मिनट में बता देंगे, 21 सेकंड में। जो नहीं जानते हैं उनके लिए बहुत बड़ा है, क्योंकि इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें, फिर इसको सबका सब में गुणा करते जाएंगे, फिर ज्ञात करेंगे इकाई का अंक। ऐसे नहीं ज्ञात किया जाता है। देखिए, लास्ट वाले बस इकाई के अंक ज्ञात करना रहेगा तो इकाई वाले अंक को देखेंगे। इकाई का अंक एक है, इसमें भी एक है, इसमें भी दो है, इसमें पाँच है। लास्ट लास्ट वाले अंक के बारे में देखेंगे। इकाई का अंक जब ज्ञात करना रहेगा तो इसमें से पाँच आ गया और गुणते इसमें दो है, इसमें एक है, इसमें एक, बस यही करना है। अब इसका गुणा कर देंगे, 5 दुना के 10, 10 एकमा 10, 10 एकमा 10, यानी कि हमारा आएगा क्या, 10 आएगा। इसमें इकाई का अंक क्या है हमारा, इकाई का अंक 0 है, इकाई का अंक 0, इकाई का अंक, इकाई का अंक क्या आ गया, 0, यही हमारा आंसर है, इकाई का अंक 0। देखिए, आगे भी देख रहे हैं, आगे हमारा दूसरा इसी में सवाल रहेगा, दूसरा इसी में उसी तरह रहेगा। देखिए, यहाँ पर दे दिया है 756 गुणते 125 गुणते 100 गुणते 2 गुणते 1 में इकाई का अंक, में इकाई, इकाई का अंक बताइए। इतना में इकाई का अंक बताइए, यहाँ पर कर दे रहे हैं 1001। देखिए, 756 गुणते 125 गुणते 1001 गुणते 2 गुणते 1 में इकाई का अंक हमको बताना है, तो बस उसी तरह करेंगे। क्या करेंगे, सब लास्ट वाले इकाई का अंक को भी लिख लेंगे। यहाँ से एक लिखेंगे, यहाँ से दो लिखेंगे, गुणा करते हुए यहाँ से एक लिखेंगे क्योंकि इकाई का अंक एक है। यहाँ से पाँच लिखेंगे, इकाई का अंक पाँच। यहाँ से छः लिखेंगे, इकाई का अंक छः। अब सबका आपस में गुणा कर देंगे, 6 5 30, 30 दुना के 60, 60 एकमा 60, 60 एकमा 60, यानी कि यहाँ पर आ गया 60। अब इसमें इकाई का अंक हमारा 0 फिर है, इकाई का अंक जो होगा 0, इकाई, इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, यही आंसर है इतना। ये दूसरा है, अब तीसरा बता रहे हैं, आगे देखिए। अगर तीसरा सवाल यहाँ पर आ जाए, 213 गुणते 256 गुणते 117 गुणते 111 में इकाई का अंक, इकाई का अंक बताइए। इतना में क्या कहे, इकाई का अंक पूछे तब कैसे ज्ञात करेंगे, उस ठीक उसी प्रकार ज्ञात करेंगे। देखिए, यहाँ से 3 लिखेंगे, यहाँ से 6 लिखेंगे, यहाँ से 7 लिखेंगे, यहाँ से 1 लिखेंगे, सबको आपस में गुणा करेंगे, वही इकाई का अंक हो जाएगा। देखिए, 3 6 18 18, इसको गुणा करने पर क्या आ रहा है, 18 आ रहा है, 18 आ रहा है। हमको 18 का पहाड़ा नहीं याद है, लेकिन हमको याद है। अगर आपको याद नहीं है तो 8 का गुणा करेंगे, 8 का गुणा करेंगे तो 56, 8 7 56 आ जाएगा। फिर 56 के एक में गुणा करेंगे तो 56 होगा, क्या होगा, 56। 18 7 126 होता है, 126 होता है,
18 सात 126 होता है, तो इस तरह भी आप क्या सकते हैं, 126 गुणते 126 करेंगे तो इतना आएगा, इतना आएगा तो इकाई का अंक यहाँ पर क्या आएगा, 6। इकाई का अंक जो होगा 6 होगा। अगर आपको नहीं याद है, छत्री 18 होता है, 18 आपको नहीं याद है, तो यहाँ पर इकाई के अंक वाले को लेंगे और फिर इसमें गुणा कर देंगे, 8 सात 56 56 हो जाएगा, 56 का फिर एक में गुणा कर देंगे, 56 आ गए। यहाँ से इकाई का अंक यहाँ पर भी हमारा 6 ही प्राप्त हो गया, क्या होगा, इकाई का अंक 6 प्राप्त होगा। इस तरह हमारा ये दोनों तरीका सही है। ये तो गुणा पर, अब जोड़ पर देखेंगे, जोड़ पर इकाई का अंक ज्ञात करना, कैसे जोड़ जाता है, तो इकाई का अंक कैसे ज्ञात करते हैं, देखिए चौथा अगर दे दे 325 प्लस 666 प्लस 314 प्लस 119 प्लस 110 में इकाई का अंक बताइए, इतना में इकाई का अंक बताना है, इतना में इकाई का अंक जब बताना है तो क्या करना है, सबको जोड़ना नहीं है, बस इकाई के अंक वाले को जोड़ना है। इकाई का अंक एक है, यहाँ 0, यहाँ 9 है, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, यहाँ 5 है, इसी को पढ़ते हैं। जैसे इकाई दाएं सैकड़ा है तो हमको बस इकाई का अंक बताना है, तो इकाई के अंक वाले को जोड़ेंगे, यहाँ से 5 करेंगे, यहाँ से 6 करेंगे, प्लस करते यहाँ से 4, यहाँ से 9, प्लस यहाँ से 0, इतना कर दिया, सबको जोड़ेंगे, 6 5 11 4 15 15, यहाँ से 9 था, 15 9 24 यहाँ पर भी दो ठो है, लेकिन हमको इकाई का अंक लेना है, इकाई का अंक हमारा 4 है, इकाई का अंक लेंगे तो क्या आएगा हमारा आंसर, 4, यही जो है हमारा आंसर हुआ, इकाई का अंक 4। अब इसको मिटा दे रहे हैं, फिर आगे बताएं, ये हमारा पांचवा नंबर, 5 नंबर सवाल आएगा इस तरह, 325 प्लस 166 प्लस 314 प्लस 112 प्लस 111 में इकाई का अंक बताइए, इकाई का अंक बताइए, इतना में इकाई का अंक पूछे तब कैसे ज्ञात करेंगे, वही कार्य होगा, इकाई का अंक वाले को बस जोड़ेंगे, यहाँ से 1, यहाँ से 5, 6, 4, 2, 1, यानी कि इकाई का अंक किसे बोलते हैं, इसको दाएं, इसको सैकड़ा, लेकिन दाएं सैकड़ा को नहीं लेना है, सिर्फ इकाई के अंक को, यहाँ से 5 लेंगे, यहाँ से प्लस 6 लेंगे, यहाँ से प्लस 4 लेंगे, यहाँ से प्लस 2 लेंगे, यहाँ से प्लस 1, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 तो अंक है, 5 ले लिए, अब सबको जोड़ेंगे, 6 5 11 4 15 15 2 70 1 18, 18 आया है लेकिन इसमें दो ठो है, तो इकाई का अंक पहले इधर होता है, तो इकाई का अंक 8 आ जाएगा, इकाई का अंक जो है हमारा 8, यही आंसर है, इकाई का अंक 8, ये जोड़ पर है। अब देखेंगे घटाना पर, घटाना में इकाई का अंक ज्ञात कैसे किया जाता है, जैसे 715 माइनस 114 44 माइनस 10 यानी कि 100 में इकाई का अंक, इकाई का अंक बताइए, इतना में अगर इकाई का अंक पूछे तब कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे क्या आएगा हमारा, पहले तो इकाई का अंक इसमें क्या है, इकाई का अंक 5 है, इसमें इकाई का अंक 4 है, इसमें इकाई का अंक 0 है, 0 लिखे देंगे, 5 में से 1 घटाएंगे, 4 घटाएंगे तो 1 बचेगा, यही जो है हमारा इकाई का अंक कितना आएगा, 1, इस तरह हमारा घटाने पे 1 आंसर आया है। एक और नियम समझ लीजिए, जहाँ पर भी 0 1 5 6 जिस संख्या के अंत में ये सब रहेंगे हमेशा, चाहे उसका वर्ग रहे चाहे उसका वर्गमूल ज्ञात करना, कितना भी घात उस पर चढ़ा दें, हमेशा इकाई का अंक 0 1 5 6 आएगा, 0 1 5 6।
बक्सा आगे पलट गया। देखिए जब अभी बताए जब भी 0, 1, 5, 6 इस सब संख्याएं रहेंगी इकाई के स्थान पर, उसको कितने विघात कर दें हमेशा वही सब आएंगे। देखिए इसमें जैसे दिया है 1570, पहला सवाल दिया है 1570 पर घात दिया है हमारा यहाँ पर 67 में इकाई का अंक, इकाई का अंक बताइए, इतना में इकाई का अंक बताना है, इतना में इकाई का अंक बताना है। 1570 पर घात पूरा घात 67 दिया है, में इकाई का अंक बताना है। तो देखिए इकाई का अंक अभी बताया है 0 पर 67 घात है, तो हमेशा इकाई का अंक कितना है, यहाँ पर 0 है, इसलिए हमारा इकाई का अंक क्या आएगा, 0। इकाई का अंक आएगा हमारा 0, यही आंसर है। अगर दूसरा पूछ दे 1560 पर 63 घात में इकाई का अंक बताइए, इकाई का अंक बताइए, इतना में इकाई का अंक अगर बताइए पूछेगा तो क्या होगा हमारा, 0 दिया है लास्ट में, तो हमेशा इकाई का अंक आएगा 0, इकाई का अंक, इकाई का अंक क्या आएगा, 0 आंसर। अब इसको फिर मिटा कर आगे बताएं, अगर आगे दे दे, आगे इसी तरह दे दे, आगे दे दे कोई भी नंबर ओके, आगे दे दे 33, 75 पे 25 घात में इकाई, इकाई का अंक बताइए, इतना में इकाई का अंक, 33,525 में पूरे पर घात 25 घात में इकाई का अंक बताना है। तो इकाई का अंक हम क्या बताएं, जब भी इकाई का अंक 5 रहेगा तो हमेशा उसका इकाई का अंक 5 ही आएगा, कितना भी घात कर ले, इकाई का अंक 5। अगर आगे देख लीजिए, अगर आगे इसी तरह दे दे 33, 25 पर पूरे घात है करड़ी में 27 ओके, करड़ी में 27 में इकाई का अंक, इकाई का अंक, इतना में इकाई का अंक पूछे तब भी हमारा इकाई का अंक हमेशा 5 आएगा, इकाई का अंक कितना आएगा, 5। अगर उसी तरह अगर आगे पूछ दे 33 में इकाई का अंक, इकाई का अंक पूछ दे तो हमेशा हमेशा इकाई का अंक हमेशा 6 आएगा, इसको याद करना पड़ेगा 0, 1, 5, 6 जब भी रहेगा लास्ट में तो हमेशा इकाई का अंक उतना ही आएगा।